हेलो रिंदर्स, रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्पीच के साथ, जहाँ पर आप लोगों को शायद मेरी जो थिंकिंग है कि आप लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे ज़रूर, और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता चलेंगी, कुछ न्यू चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और होप सो आप लोग अपने रिविजन और प्रिपरेशन को क्रैक करके अपने एम को, अपने टीचिंग के उद्देश्य को कंटिन्यू कर पाएं, क्रैक कर पाएं अपने एग्जाम्स को। सो गिव योर लाइक फीडबैक एंड कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं, लास्ट वीडियो तक देख कर कि आप लोगों ने क्या सोचा है और क्या क्या चीजें गेन की हैं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने शेयर ऑलरेडी कई वीडियोस में किया हुआ है अपने बारे में। मैंने अब तक 5 इयर्स एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें सीखी हैं और क्या क्या चीजें गेन की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, और कुछ पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ वो आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। आज का टॉपिक मैंने रखा है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, एक तरीके से मूल मंत्र जिसे हम कहेंगे। हमारे बहुत बड़े बड़े ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे इंडिया का इवन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इन्होंने कंटिन्यू की हैं, तो उनका भी यही कहना था कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करना, तो ये जो मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी वाला, इसे अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमें ये कंटिन्यू करना है। अब एक्चुअल में है क्या कंसिस्टेंसी? किसी भी टॉपर के पास जाओ आप लोग, या किसी भी क्वालिफाइड जो भी एग्जाम मतलब दे चुका है और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जॉब पाकर वो बहुत खुश है और अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहा है, तो आप उससे एक ही चीज सुनेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिकॉज वो क्या कहना चाहता है वहां पर, वो ये कहना चाहता है कि अगर आप लोग या मैं या कोई भी कैंडिडेट अगर ये पूछता है किसी भी पर्सन से, इवन मुझे तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, अगर फॉर एग्जांपल के लिए कोई अदर पर्सन है और वो ये पूछता है किसी ऐसे पर्सन से जिसका एग्जाम ऑलरेडी क्रैक्ड है, तो वो ये पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो वो उस पर्सन को ये बताने की बजाय ये बताएगा कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड आर्ट्स पढ़ता था। तो कई कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं कि हमें 15 से 16 घंटे पढ़ने चाहिए तो हमारा एग्जाम हो जाएगा क्लियर, तो ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज क्या याद रखना है कि बेशक आप पूरे दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, या आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, या ओनली 3 यानी कि 30 मिनट पढ़ रहे हैं, पर पढ़िए इस तरीके से कि आपके माइंड में वो चीज कैप्चर होनी चाहिए, कि वो चीज आपने जो पढ़ा है 2 से 3 घंटों में, वो इस तरीके से कि कोई भी सामने से आकर आपसे पूछ ले इस टॉपिक में से, तो आप लोग आसानी से उस चीज को एक्सप्लेन कर सके। और साथ ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी फैमिली में से कोई भी डे या किसी भी दिन फंक्शन है और आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम टेबल स्ट्रेटेजी बना रखी है, और एक दिन ऐसा आ गया कि फंक्शन है आपके घर में और आप नहीं पढ़ रहे हैं, और आपने सोचा है कि आज तो छुट्टी है और आज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और बहुत पढ़ लिया, तो ये अपने माइंड में ये बात तो बिल्कुल भी नहीं लानी है। बेशक आप उस दिन 10 मिनट पढ़ रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंसी आपको तोड़नी नहीं है, खत्म नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है। बेशक आप उस दिन 10 मिनट पढ़िए, पर पढ़िए जरूर, बेशक आप उसमें रिविजन कर रहे हैं, बेशक आप उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करके देख रहे हैं, बट उस कंसिस्टेंसी को आपको लगातार बरकरार रखना है जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता। तो ये है पहला मूल मंत्र जो आप लोगों को फॉलो करना है, अभी से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इस चीज को। देन है बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं मैंने आजकल जो कंपटीशन चल रहा है एग्जाम्स का, चाहे वो KVS हो, चाहे DDPLUS भी हो, चाहे NVS, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, तो ये आजकल के कंपटीशन लेवल को देखकर मैंने कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिखा है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बहुत कंपटीशन लेवल बढ़ जा रहा है, थाउजेंड्स के अराउंड वैकेंसीज आती है, ओनली थाउजेंड्स के अराउंड वैकेंसीज आती है, बट लाखों कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, और कंपटीशन इसी की वजह से बढ़ गया है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज कम निकलती हैं, और कहीं ना कहीं अदर भी चीजें हैं जो उसके वजह से भी हमारा कंपटीशन कहीं ना कहीं हाई हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे जा रहे हैं, बट उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। इन सब के बीच में अपने मोटिवेशन को बरकरार बनाए रखना कि नहीं, हमें क्रैक करना है, चाहे हमारे कितने भी अटेम्प्ट्स हो जाएं, तो हमेशा ये मोटिवेशन अपना रखना, तो वो चीज कब होगी, जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे। तो बेशक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट हो, तो बट आपको करना यही है कि इन
जितने भी टाइम कंटिन्यू चलता जा रहा है तो उसमें आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे हार नहीं माननी है और मैं एग्जाम को अपने को क्रैक कर पाऊंगा और करूंगा या करूंगी। तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स बिठा कर रखना है कि बिलीव इन योर सेल्फ, भरोसा रखिए ऑलवेज कि आप इस काम को करके दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, टाइम टेबल विद स्ट्रेटजी। मैंने एक पर्सन है, मेरी फ्रेंड है, बहुत अमेजिंग और काफी मतलब टॉपर रैंकिंग रही है उनकी, तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं मुझे भी एक तरीके से मुझे भी मोटिवेट करता है। तो उन्होंने ऑलवेज अदर कैंडिडेट्स को भी या मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज शेयर की अपने एक्सपीरियंस में कि हमेशा अगर किसी भी पर्सन की या किसी भी कैंडिडेट की स्ट्रेटेजी अच्छी है ना, तो वो कभी भी उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, वो कभी सिक्स अटेम्प्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल अपनाइए कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये हमारा लास्ट या सिक्स अटेम्प्ट तक जाने वाला है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ लास्ट अटेम्प्ट होगा वो। तो आप लोगों को टाइम टेबल इतना सुटेबल बनाना है कि आप लोग उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने एरियाज जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेशक आप 2 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं कि 2 घंटे में मुझे इन इन टॉपिक्स को कवर करना है, तो ये एग्जैक्टली और सुटेबल होने चाहिए। इट मीन्स वो आपके माइंड में वो टॉपिक बैठा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए कि 2 दिन या 10 दिन बाद अगर पूछ लिया जाए तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स टाइम टेबल में रिवीजन भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन तो हम कभी भी, विदाउट प्रैक्टिस तो हम कभी भी परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तो ये चीज आप लोगों को टाइम टेबल में अपना एज अ इंक्लूड रखना है। देन है मेकिंग इफेक्टिबल नोट, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। इससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बेशक आपका जो टॉपिक है एज अ करंट अफेयर्स का, बेशक आप लोगों का किसी भी टीचिंग एग्जाम में नहीं आता हो, आता तो है, हर किसी में आता है वैसे तो, 5 से 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की वेटेज तो ऑलवेज रहती ही है। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना है कि ऑलवेज ये मत सोचिए कि मेरा ये एग्जाम है या टेट एग्जाम है, टेट में तो सीटेट मतलब कोई भी सीटेट है या कोई भी टेट है तो उसमें तो करंट अफेयर्स आते नहीं है। बट अपनी नॉलेज के लिए कि आप टीचर बन रहे हैं, आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो ऑलवेज डेली अपने आप को अपडेट रखिए, जेन्युइन न्यूज के साथ अपने आप को अपडेट रखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के साथ अदर कंट्रीज के रिलेशंस कैसे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सब चीजों को अपने माइंड के जरिए अपडेट रखिए, ठीक है। मेकिंग इफेक्टिबल नोट्स, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी बताया था कि नोट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए बनाना और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये भी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। तो नोट्स आप लोगों को क्यों बनाने हैं, क्यों का आंसर मैं यहाँ पर दूंगी, ठीक है। Why? नोट्स इसलिए बनाने होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि एक टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का, वो आने वाला है और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट आपके पास 5 डेज बचे हैं और आप उस टॉपिक को छानबीन कर रहे हैं कि ये टॉपिक कहाँ से मुझे समझा दे, कौन समझा दे, कौन सी बुक में देख लो, कौन सी नोटबुक में लिखा होगा। तो ये सब ढूंढने के बजाय आप लोगों ने जो पर्टिकुलर नोट बना रखी है ना, वहां पर आप लोगों ने उस टॉपिक को लिखा हुआ है, उस लाइन को लिखा हुआ है, तो आसानी से आप रिविजन कर पाएंगे उसकी, ठीक है। सो मेकिंग इफेक्टिबल का मतलब ये है कि ऑलवेज इंडेक्स जरूर बनाइए। इंडेक्स का मतलब आप लोगों को पता है, जब हम क्लासेस में कंटिन्यू करते थे तो इंडेक्स जरूर बनाते थे, कौन से पेज पर कौन सी लाइन लिखी हुई है, कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। तो इंडेक्स जरिए बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्ट है इफेक्टिबल नोट्स का। तो ये नोट्स बनाइए, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाइए, खिचड़ी जरूर पकानी है। कोई सुंदर राइटिंग में आप लोगों को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा उस राइटिंग का कि आपने नोट्स बनाए, गंदी राइटिंग में बनाइए, पर बनाइए ऐसे कि आप समझ पाए और दूसरों को अगर मौका मिले समझाने का तो भी आप वहां पर समझा पाए उन्हें, पर आप समझे। तो इस तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आप लोग 10 दिन भी बाद पढ़े ना तो भी आपको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये तो आप लोगों को स्किप नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, इससे पहले एक बात और कहूंगी,
कुछ कैंडिडेट्स को मैंने कहते हुए सुना है कि वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अभी फ्रेश फ्रेश टीचिंग लाइन में आए हैं और उनके कहने का मतलब ये होता है कि अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में देंगे और देकर देखेंगे कि हमारा एग्जाम कैसा होता है। हालांकि उनके पास 2 से 3 महीने हैं आराम से तैयारी करने के लिए, बट फिर भी उनके माइंड में क्या चल रहा है कि ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, ना ही कोई मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है, ना ही मैंने नॉर्मली सिंपल सेल्फ स्टडी किया है, तो मुझे तो बस एक क्वेश्चन फ्रेमिंग देखनी है। तो कभी भी ये बात अपने मन से अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आप फ्रेशर हैं, चाहे आपके कई अटेम्प्ट्स हैं, तो ये जो मूल मंत्र है ये आप लोगों को ऑलवेज फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर के टेस्ट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इन सभी को आप फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फ्रेशली आप आए हैं टीचिंग एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग देखने के लिए टेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो आप टेस्ट क्यों दे रहे हैं? आप ये देने के लिए टेस्ट दे रहे हैं कि आप एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट दें उस चीज को, मतलब ये आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट हो। पूरी जी जान लगा दीजिए उस टेस्ट को देने में, उस पेपर को देने में, उस एग्जाम को देने में। और बेशक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बेशक आपकी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, बट फोकस और एक कंसंट्रेशन और एनर्जी, पूरी पावर लगा दीजिए कि हाँ ये आपका क्या पता लास्ट अटेम्प्ट हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। अब बात आ जाती है इस पॉइंट की, टेस्ट या मॉक टेस्ट या प्रीवियस टेस्ट का क्या रोल होता है। डेली तो नहीं कहूंगी, या ये भी ना करें आप कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ फिर जाके मैं अपना एक टेस्ट दूंगा या मॉक टेस्ट देने की प्रिपरेशन करूंगा। नो, अगर आपकी कुछ चीजें बेसिक हो गई हैं, बेसिक यानी कि अगर आपका 40% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है 100 में से, तो भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो भी आप प्रीवियस टेस्ट उठाकर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रीवियस टेस्ट देना नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो भी क्या होगा वहां पर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने 2 घंटे उस टेस्ट में लगाए, 1 घंटा आप लोगों ने उस टेस्ट को एनालिसिस किया, आप लोगों ने उसमें मिस्टेक्स देखी, मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया, और क्या फिर आपने उससे पाया कि आपने उस टेस्ट को, वो जो 2 घंटे 3 घंटे आपने दिए हैं, वो आपके माइंड में बैठ गए हैं कि हाँ ये टॉपिक भी मुझे करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को मुझे समझना है, इस क्वेश्चन की मुझे बार बार रिविजन करनी है। तो ये कुछ चीजें जो आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिलेंगी वो यहाँ से मिलेंगी। तो इन सब चीजों को आपको इस टेस्ट सीरीज, इस मॉक टेस्ट सीरीज, इस प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस टेस्ट में करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं। तो इसे तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अपने आप को सेल्फ चैलेंज कीजिए, सेल्फ कंटिन्यू कीजिए कि हाँ मैं ये करके दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगी। इवन ये चीज बोलनी है आप लोगों को, सेल्फ मोटिवेशन तो डेली हर पर्सन के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने क्लियर करे हैं। होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हो। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड लाइक हिट एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, और सभी लिंक से जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आ सकूं। सो कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पॉइंट कैसे लगे, और कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई तो वो सब आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, और सब्सक्राइब करें। So thanks for watching, keep learning, do your preparation best, like and share जरूर करें, follow मुझे करें अनअकैडमी पर, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर।